हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के ट्यूटोरियल में। आज हमारा टॉपिक है हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग। हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग आपकी क्या होती है एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्राम। हॉरिजेंटल का मीनिंग है आपका इस टाइप से एंड वर्टिकल का मीनिंग है आपका वर्टिकली, आपका पैरेलली कितने आपके माइक्रो प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट हो रही है वो डिफाइन करता है आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर। तो हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट क्या है? इन हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग ईच बिट इज आइडेंटिफाई स्पेशली विद अ सिंगल कंट्रोल पॉइंट विच इंडिकेट दैट द करस्पॉन्डिंग माइक्रो ऑपरेशन इज टू बी एग्जीक्यूटेड। मीन्स आपका ये डिफाइन करता है कि एक सिंगल कंट्रोल पॉइंट आपका डिफाइन करता है जिसके थ्रू आपका माइक्रो ऑपरेशन जो होते हैं वो कंटिन्यू आपके क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं। करस्पॉन्डिंग कौन सा आपका एग्जीक्यूट करेगा वो डिफाइन करता है आपका हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग के अंदर। सिंस ईच माइक्रो इंस्ट्रक्शन इज कैपेबल इनफ टू कंट्रोल सर्वर रिसोर्स साइमल्टेनियसली। देखिए, इसमें आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन जो है वो कैपेबल है कि कितने भी आपके रिसोर्सेस हो उनको एग्जीक्यूट करने के लिए वो कैपेबल है। इट हैज द पोटेंशियल एडवांटेज ऑफ मोर एफिशिएंट हार्डवेयर यूटिलाइजेशन एंड द एडिशन इट रिक्वायर स्मॉलर नंबर ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर माइक्रो प्रोग्राम। एक माइक्रो प्रोग्राम के अंदर बहुत कम आप माइक्रो इंस्ट्रक्शन परफॉर्म करते हैं थ्रू हॉरिजेंटल प्रोग्रामिंग के थ्रू। सो इसमें क्या होता है, एक एडवांटेज ये है कि आपका हार्डवेयर यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा हो जाता है इसमें, ताकि परफॉर्मेंस भी क्या होती है, इंक्रीज होती है आपकी सीपीयू की। इट अलाउ हायर डिग्री ऑफ पैरेललिज्म विद अ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनकोडिंग एंड सेपरेट कंट्रोल फील्ड। इसमें क्या होता है, आपका पैरेलल डिग्री ऑफ पैरेलल प्रोग्रामिंग आपकी इंक्रीज होती है, जिससे आपका एनकोडिंग एंड सेपरेट कंट्रोल फीड भी आपके मिनिमम अमाउंट में जनरेट हो सकते हैं। डेवलपिंग माइक्रो प्रोग्राम दैट यूज रिसोर्स ऑप्टिमली और एफिशिएंटली इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क। आपको देखिए, कुछ माइक्रो प्रोग्राम डेवलप करना है, सोर्स ऑप्टिमाइज करना है, तो वो एक क्या है, कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो उसको डायरेक्टली आपका रिजोल्व करता है हॉरिजेंटल माइक्रो प्रोग्रामिंग। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आपकी होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर रहता है आपका, और डायरेक्टली आपका देखिए इसमें हर एक एलिमेंट जो है वो दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो ये टास्क अपना परफॉर्म कर रहा है, ये अपना एग्जीक्यूट हो रहा है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका ये वाला टास्क परफॉर्म हो रहा है। तो पैरेलली एक के बाद एक आपका सिक्वेंसी में एग्जीक्यूट होते हैं आपका हॉरिजेंटल। ग्रेटर लेंथ, सो इट इज टिपिकली कंटेन मोर इंफॉर्मेशन देन वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन। देखिए, इसमें जो आपका ग्रेटर लेंथ, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा होती है, तो इसलिए बेटर है आपका एज कंपेयर टू वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग की। तो आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, डेटा है आपका, ये आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं पैरेलल हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली में क्या होता है आपका, वेरियस फॉर्मेट एंड हायर डिग्री ऑफ एनकोडिंग। इसमें एनकोडिंग भी आपको ज्यादा थी है, हायर लेवल में आपका डिजाइन होता है। एंड इसमें जो आपका इंस्ट्रक्शन परफॉर्म होता है उसमें देखिए, माइक्रो इंस्ट्रक्शन है, पहले वो एक डिकोडर के पास जाएगा, ये डिकोडर अपने टास्क परफॉर्म करेगा, देन डेटा यूनिट के पास, दूसरे डिकोडर के पास आएगा, देन एक्शन करेगा, देन डेटा यूनिट, तीसरा डिकोडर। तो इसमें मीडिएटर में आपका डिकोडर लगे होते हैं जिसके थ्रू माइक्रो इंस्ट्रक्शन को डेटा यूनिट में कन्वर्ट करते हैं आपके डिकोडर। जबकि अगर आप हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं तो डायरेक्ट आपका माइक्रो इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है आपका डेटा यूनिट में यूजिंग आपका हॉरिजॉन्टल माइक्रो प्रोग्रामिंग। इट नॉट ओनली स्टोन द लेंथ ऑफ माइक्रो इंस्ट्रक्शन बट ऑल्सो प्रिवेंट द इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी, क्योंकि आपकी आप देखिए इसमें मीडिएटर आप यूज करें तो कैपेसिटी भी बढ़ेगी। वर्टिकल माइक्रो इंस्ट्रक्शन जनरली रिप्रेजेंट अ सिंगल माइक्रो ऑपरेशन एंड कोड इज फॉर ईच माइक्रो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म एंड द डिकोडर ट्रांसलेट द कोड इन टू द इंडिविजुअल कंट्रोल सिग्नल बिकॉज ओनली द माइक्रो ऑपरेशन टू बी परफॉर्म इज स्पेसिफाइड द माइक्रो इंस्ट्रक्शन फील्ड आर फुली यूटिलाइज, ताकि आपका जो माइक्रो इंस्ट्रक्शन फीड है वो फुली यूटिलाइज हो, इसलिए आप वर्टिकल माइक्रो प्रोसेसर की यूज करते हैं। इजी टू राइट देन दी, अब देखो इसमें जो भी कंटेंट आपको राइट अप करना है वो इजी है एज कंपेयर टू हॉरिजॉन्टल कंटेंट, एंड वर्टिकल में आपका इस टाइप से आपका जनरेट होगा। तो ये आपके दो टाइप के आपकी माइक्रो प्रोग्रामिंग है, जिसमें आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग आप परफॉर्म करते हैं। हॉरिजॉन्टल का मीनिंग है एक टास्क परफॉर्म होगा, देन दूसरा, देन तीसरा, इस टाइप से होगा। वर्टिकल में आपके क्या होते हैं, वन बाय वन आपके चलेंगे, बट वो मिड में आपके डिकोडर लगेंगे जिसकी हेल्प से वो कन्वर्ट होगा आपका। तो ये आपके हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल माइक्रो प्रोग्रामिंग है। थैंक यू स्टूडेंट।